अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, अगर आप किसी को ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करते देखें तो ये याद रखें कि उसने छोटे छोटे कामों से ये बड़ा काम हासिल किया। अगर किसी के पास कोई बड़ा मकाम है तो वो बहुत ग्रास रूट लेवल से अगर स्टार्ट हुआ है तो आपको ये देखना चाहिए कि उसने छोटे काम भी बहुत नफासत से किए होंगे। जो शख्स छोटे मोटे काम नफासत से नहीं कर सकता, वो कोई बड़ा काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। बल्कि इस बारे में एक किताब छप चुकी है जिस किताब का नाम है मेक योर बेड। सुबह जब उठें तो अपने बेड को सही कर दें। ये एक छोटा टास्क है लेकिन इससे किस तरह आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा और कैसे बड़े काम आप एहसन और हसीन तरीके से कर सकेंगे, ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और याद रखें कि छोटे छोटे अच्छे कदम एक बड़ी अच्छी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं आज चौधरी साहब के डेरे पे। बहुत अरसा हो गया हम नहीं गए, देखते हैं चौधरी साहब की कैसी तबीयत। ओए काका, हवेली जरा ना नीट एंड क्लीन चाहिए है। तुसी खा रहे थे हराम, समझ गया मेरी गल। ओ किदा जी, साफ सूफ करया करो। चौधरी साहब, किन्ने के काम करवाने मेरे को घर दे? आ सफेदियां मैं करदा, बिजली दा काम होवे मैं करदा, लक्कड़ दा काम होवे मैं करदा, फर्श टूट जाए तो भी मेरे को तुसी काम लेने हो। किन्ने के काम करवाने है मेरे को? चौधरानी दा इंतजाम किन करना? चौधरी साहब, रिश्ते दे बड़े बड़े लेवल दे उच्चे उच्चे रिश्ते आ रहे हैं। अच्छा, ताड़े लेवल दा नहीं लग रहा कोई। मैं कभी तेरे ना कल्ले बह के क्या, मैं 6 फुट तो थले कद नहीं करना चाहता। चिदरानी दा जख्म जरा वो भरदा जा रहा। अच्छा। मैं हुण आ रहा जरा नवी तरंग दे विच। लाल चादर, लाल चादर, काला सूट। जिंदगी तक गुजारनी है ना हारून। हाँ, नहीं सही बात। आप चाहे जितना मर्जी टॉम क्रूज की तरह ऐनक लगा लें लेकिन काम तो नहीं। अच्छा, अब बात यह, आपने बहुत अच्छा किया, आप दोबारा अपनी तरंग में आए। आपकी उम्र भी कुछ नहीं है। हाँ, और माशाल्लाह खाते पीते आदमी है, आपको तन्हा जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन फिर भी माजी का ख्याल आता है गाहे गाहे, मुद्दतें दर्द की लौ कम नहीं कर सकती। हमने भी वैसे सुना था जितनी मोहब्बत इनको थी आदमी भूल जाता है। सच्ची मोहब्बत तो होती है एक बार है। एक बार चौरी साहब, इस गल्ला ना तेडी इन्ना ने मंगनी भी नहीं होने देनी। अच्छा, नहीं जिस तरह दी गल्ला कर रहे, मैंने तो लगता है ओदे कोल भेजना चाहते है। नहीं नहीं चौरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, माशाल्लाह आपका जो एक पर्सनैलिटी का ग्रैंडर है ना, वो इतना शानदार है इस शिमले के साथ, ग्लासेस के साथ, आप वाकई प्रॉपर किसी फिल्म के ना कोई बहुत अहम करेक्टर की तरह लग रहे हैं। ये मालक दा काम है। लेकिन फिर भी जख्म भर जाए मगर दाग तो रह जाता है, दूरियों से कभी यादें तो नहीं मरती। अज मतलब सारा दीवान चुक के मेरे लिए लाया। हल्की जी खुशी दी मांगल कड के दबा च तू जख्म भर जाते हैं। मैं बह कहना भी इस घर च भी हल्की जी रौनक लग जाए, कोई टूं टां, कोई दिल कर, कोई ए चढ़े, कोई फुतकी मार के आप तो आगे चले गए दादा। नहीं नहीं देखें जी, ये बहुत अच्छी बात है, उमंगे जवान रहनी चाहिए। अच्छा, तू मेरे बारे में कोई गल करनी है? जी जी। शेर नहीं कहना तू। एक दिन चोरी साहब आना के घर च रौनक लगने, अहीं भंगड़े पाउणे आंगे करके। हैं अल्लाह बहुत इंशाल्लाह बाद देखो तुसीं हुंदा कि ओ काहदे भंगड़े पाई जाना, कोई चौरी दा उरसा अज की हाल है तेरा? अल्लाह दा शुक्र है, होर मोटा हुंदा जाना, अज तक कुर्सी दे विच फसे ही पिया। मैं गल तेनू ये करन लगा ही, पिंड च रौला जा पिया। की होया, की रौला कादा? ओ रौला कादा भी, एक कुड़ी आई है शहरों गड्डी ते। मेरा पुछदी है? अपना तेरा कल ही पुछदी है, तू की मर गया? ओ पिंड वेखणा ही विलेज, अपना विलेज कहंदी, विलेज। अच्छा, टिकटॉक भी बनाउंदी बहुत वधिया। हां हां, तबला और मेरे ना जरा एक टिकटॉक ही बना दे। ओ टिकटॉक कट्टा बनाउणा मैं। क्यों, क्या हुआ? तेरे हुंदे बेचारी दा कोई पर्स खो के लै गया बेचारी दा उथों। मेरे हुंदे मैं ओदी गड्डी चला रहे सी। इस पिंड दा मुनसब कौन आ, चौरी कौन आ? ओ ते बाहर जदों वाके होए ने सिर ते दा असी बैठे आ, तू सिर ते पग पाई फिरदा। ओ यार, जावरां दीआं बाहां हुंदीआं मां इत्थे बैठ। ओ जरा मेरी लम्मी है तेरी छोटी है। माशाल्लाह आपका घर कितना खूबसूरत है और आपके गांव की लोकेशन बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया। आपका गेटअप बहुत अच्छा है। थैंक। मैंने ऐसा टिकटॉकर पहली दफा देखा है।
ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी गांव का चौधरी होता है। मेरे मुंह की गल, मैं भी सवेर का लगता भी इदा जिदा चौधरी चौधरी फिरन डे है। ये चौधरी साहब आ और इन्हां दी आई डी बनी है टिकटॉक ते गिठू खां दे नां तों। असल जी बहुत अरसा हो गया जी, चौधराणी बेचारी कर गई इंतकाल। हाय हाय हाय, ये बात बताना तो बहुत जरूरी था। जी हाँ, उन्होंने क्लियर किया है। देखो जी, आई एम सिंगल। देखो जी, जान वाले आंदे नहीं जी, उथे जाना ही पैना। अच्छा जी, पहले तो अपना मसला दसो भी, जनाब दा मसला की है? वो खेत नहीं है आपके? हाँ जी हाँ जी। वहाँ पे खड़ी होके टिकटॉक बना रही थी, मेरी गाड़ी में से कोई बैग निकाल के ले गया। तुसी भी जदों टिकटॉक बनाउणा है, कम से कम मैनू इनफॉर्म करो, मैं गड्डी दे कोल खड़ा हो जांदा। अच्छा एक सवाल मेरे ज़हन च आ रहा है, भी जनाब सिंगल है? यस ऑफ कोर्स आई एम सिंगल। नाइस टू मीट यू, आई एम ऑल्सो सिंगल। उसको विडोड कहते हैं। चौधरी की कहना मम्मी सिंगल। जी जी, तेनू डबल बेड दी चादर वो भी नहीं पूरी है। सिंगल कह रहे हैं, वो बेचारी का मसला हल कर, तू केड़े कम्मां च पै गया? पर्सनल बे इथे, मैं पिंड दी हेठली मिट्टी उत्ते ले आऊंगा। वाह जी वाह, जदों लेटदा इंज ही हुंदा। ओए खोजी, नहीं तो गार्ड नूं आवाज मार। अच्छा चौधरी साहब। ओए जग्गू आ खोजी, ओ चौधरी साहब बुला रहे आ। चौधरी साहब, इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं? बन रहे हैं जेन हल्का। जी चौधरी साहब। ओ खोजी किथे है? नाल ही आया जी। तो मेनू नजर क्यों नहीं आ रहा? चौधरी साहब थले देखो। हां थले देखो। वो बे जादा चौधरी ते थले देखे। अला कहंदा जादा होवे चौधरी ते थले वेखे। आंख बनवाई डॉक्टर ने कहा 21 दिन तू उते नहीं होना। चौधरी साहब ए देखो। जी चौधरी साहब। ये कणक दे नाल को थलो वड के ला गया खोजी। ओए खोजी। हां जी। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ ਚੌਧਰਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ। ਚੌਧਰਾਣੀ? ਵਾਟ, ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਲਓ ਫਿਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਚਲਾ ਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਬੈਗ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਨਾਈਟ ਵਜਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਫਸਾਦ ਪੈਂਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਾਓ ਖੋਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਓਏ ਖੋਜੀ ਤਾਂ ਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਵਾ ਬੈਲ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਥਾ। ਓਏ ਖੋਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਵੀ ਕਿਨ ਬੈਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਗ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਨਾ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਪੈ ਜਾਣਾ। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਆਈਏ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਦਾਣਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਮਝਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ? ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? चौधरी साहब, 1.5 लाख का तो मेरा सिर्फ बैग था। टोटल? जी 1.5 लाख तो वो आपको सिर्फ बैग की प्राइस बता रही है, चीजों की नहीं। एक मिनट, तेरी असल च ना गुरबत ने मारी काकी मत। क्यों? क्यों? 1.5 लाख तू इदा कह दई है, तू कद देखना हुंदा महीने की 29-30 तरीक नु जाके 1 लाख रुपया। अच्छा सिर्फ बैग है, बैग इटसेल्फ 1.5 लाख का? लंबाई चढ़ाई की है बैग की? ਆਰਡਰ ਦੇਗਾ, ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਐਡਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੁੜੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਲੱਗਦਾ, ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਥਾ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੌਪਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਗੂਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਹੀ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਸੀ? 30,000 ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਥਾ ਚੌਧਰੀ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, 50,000 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। 50,000 का? हाँ? सबसे बड़ी टेंशन चौधरी साहब, 3.5 लाख का मेरा फोन था उसमें। 20,000 का परफ्यूम जी, 3.5 लाख का हो गया मोबाइल जी, 1.5 लाख का हो गया पर्स, 5.5 लाख 20,000 ये टोटल करके ना चौधरी तेनू महीना कितने लाना पैना। इसको अलावा 12,000 की तो मेरी सिर्फ लिपस्टिक थी उसमें। 12,000 की लिपस्टिक इतने पिंड दे खुसरे आंदे आ, 13-13 रुपये की लाई। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਆ ਜੀ? 12,000 ਕੀ ਜੀ। ਲਓ 24,000 ਦੇ ਤਾਂ ਚੌਰੀ ਕੋ ਪਈ ਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆ ਯਕੀਨ ਕਿ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੰਗ ਦੇ ਪਏ।
अच्छा आपने कहाँ से ली थी वो मैं सपोरा तो ले आया सी सेफोरा से सेफोरा से भी लाए हो तो 13 साल नहीं निकाल सकती उन्हें तो सिर्फ प्यों के रखो 14 साल कट जाती है ओ यारी है ना असल जी ओ है फेंटी ब्यूटी दी अद्धा घंटा मैंने स्टोर दे अगे फेंटी लगी था ता मैंने आपको ये पता है कि फेंटी ब्यूटी किसका ब्रांड है उना दा जिन्होंने बनाई है वैसे बात ये भी रिहाना का है अच्छा रिहाना का है ओए ओ भतीजी अपनी एडा कड़ा रौला दानिया दसया नहीं भी तू रिहाना दा चाचा और रिहाना है वो अच्छा जी इस तो अलावा भी कोई चीज है चौधरी साहब 2.5 लाख के तो ग्लासेस थे मेरे उसमें वो तो मसला ही कोई नहीं अंदर दर्जना दे हिसाब ना पाए है आंखों पे लगाने वाली ऐनक भाई ऐनक चाहिए थी है और नू कहंदे ग्लासेस अच्छा कोई मसला नहीं चौधरी इस किस्म दा ग्लासिकल करदा ना मैं कहना के वो फट्टे दे उत्ते ग्लासेस रख के सिर ते रख के भी है किस ब्रांड के ग्लासेस थे आपके पास जी विसाची के वर्साची के 2.5 लाख के तू तो इदा हैरान हो गई ओ तेनू साची नहीं कह रही चौधरी साहब आप इतना पोजेसिव क्यों हो रहे हैं हाँ वैसे वाकई भाई नहीं मैं क्यों साडे घर दे मामले हर बंदा घर का मामला चौधरी साहब ये एमी खाम का भी ओ चुदरानी जाने मैं जाना नहीं घर का मामला और चुदरानी ओ भी साडी हवेली च आए हो जी चौधरी साहब ते थोड़ा तहफ्फुज करना थोनू अपना समझना जी जी मेरा फर्ज है या नहीं 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 बिल्कुल है क्यों जी टुरी कि नहीं वो खातून ने अपनी लाइफ सेविंग सारी जो है ना बैग में लेके बैग में रखा हुआ था चौधरी साहब हाँ जी जिन्ना महंगा बैग है मिन्ते लगदा मकान बेच के ने बैग ही बनाया नहीं नहीं किसे खांदे पींदे करती है ओ भाई ये तो कुछ भी नहीं है अब तो 25-25 लाख के बैग है हाय वे चल गया जादू वे साधका वे साधका बे साधका तेरी मैं की जीना होया की है बे अपना मुंडा ब्याह के साधका बे मैं लुटी गई क्योंकि तेरे नजीरा तू नाल हल्का जे स्टेप कर दी तो मैं तेरी सुन लेनी सी बे अपनी नाव कर ले आके साधका बे मैं लुटी गई अम्मी की हो गया तानू ओ तोड़े ते कर सकती जादू इधर नाल मोहब्बता पा के अपना मुंडा हथों गवा के साधका बे मैं लुटी गई तन मेरी मुड़ा दे बाय बे तेरी पुआ ते जादू टूने चल गया साधका जादू टूने चल गया पुआ तेरी ते आराम तसल्ली ना दस तेन की दसा बे मैं कल पुत कपड़े धो के छत ते पाए जद सुके मैं चकन गई त कपड़े कटे पे मेरी मंजी आले दुआले को घूमन दिया काला काला पिंडा लाल अखां जो मैं उठ के टुरन लगी तो गुमन को ओए बैम हुंदा बैम ओए तू ते ओए कामे नु पुछ राती किते गया ते नहीं तू जो नक्शा दसण दई ओ नहीं ये सारे लोग चौधरी साहब के पास क्यों आए ये चौधरी साहब बड़े इंसाफ पसंद हैं ओ पंचायतां हुंदियां इथे पंचायत पूरे गांव की पंचायतें इनके पास आती अच्छा आ सारी हवेली बार गड्डियां कारा जी जी ए रकबा जिन्ना भी है सारा मेरा है मेरा कादा बल्कि थोड़ा ही हौली हौली इस काम नु फॉलो करो ए कल नु तुसी भी करना है सवेरे मैं अंडा तोड़िया है बिचो सुइयां निकलियां हुण छोटे जे ना देखना जी हो सकदा दर्दी दी जगह विच बटन भी होण ओ जी आ फज्जा नहीं साडे पिंड दा जी जी ओदी बुड्ढी दा भी इंजी होया सी क्या ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਫੜਕ ਗਈ ਉਹ ਆਵੇ ਗਈ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਗਈ ਇਸ ਮਾਈ ਨੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਆਪ ਬਤਾਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਜਾਦੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਆਪ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਆਪ ਕੈਸੇ ਕਹਿ ਸਕਤੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰਾਣੇ ਸਿਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਾਈ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਲ ਕਿਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਛੱਡ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਬੇ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੀ ਜਦਾਨੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੜਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਮਾਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੜਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਰੁ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਲਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਉਹ ਬਸ ਗੁਲਸ਼ਨ ਬਸ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਾਲੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੌਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ 4 ਨੌਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਿਓ 4-4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ
हुण तां तुहानूं मेरी ज़ात ते शक नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं चौधरी साहब, हुण इस पर्स दे जे सिर्फ अपनियां चीज़ां ना समझो जी, मेरा दिल भी इस पर्स च समझो। लेकिन एक दफा अपनी चीजें देख ले। अपनी एक एक चीज गिन लो, पूरी है जी? चीजें तो सारी पूरी हैं, पर जिंदगी में कोई हम सफर नहीं है। क्या चीजा कितों लईया फिर? देखा जो चेहरा तेरा, अस्तगफुरुल्लाह, ये चौड़ी च वारिस देख आ गया। प्यारा लगा कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। देखिया, सिर्फ चौधरी नहीं, नाल मैजिशियन भी है। मुझे पता है आपको गाना डांस वान सब कुछ आता है, आप लोग ये भूल गए कि एक चोर पकड़ा हुआ है। ओए मैं जनाब चोर नहीं। फिर मैनूं घर दियां महरूमियां ने चोर बनाया। क्या हुआ? घर च गोडे गोडे गुरबत है। गोडे गोडे मैल भी तो है तेरे। डेढ़ लाख का पर्स मैं कितों लवां? अच्छा, आपकी महरूमी ये है कि आपके पास डेढ़ लाख का पर्स नहीं है? 3.5 लाख का मोबाइल मैं कितों लवां? इनियां लैना चोर दियां बन दियां नहीं, चार छित्र मार के मकाओ बिचो। अगा चोरियां करदा चोरी में? तू चोरी दा मुंह काला कराता। ओए 20,000 दा मैं काला लवां? तैनू ही कहना तकलीफ कादी है? नहीं, मेरा काला कराता तेरा ही कराना वा। मैं भी काम का हजे ते सेरा लगना, तू मुंह काला कराऊं? मैं 20,000 दा परफ्यूम कितों लवां? ओए तैनू 20 लाख दा भी लै देवां ना, असर अंदाज नहीं होना। ए बो बाहर दी नहीं, ए तेरे जमीर दी बो आ, ए नहीं हटनी। मैं तैनू दस दिया 2.5 लाख दी ऐनक मैं कितों लवां? ओए जे तेरा मुंह है ना जी, तू वेल्डिंग वाली लै। तेरे सौन तेरे खानदान दे सौन भुखे, मेरे बच्चे ही है नहीं। तुहाडी बीवी तुहानू फरमाइशां करे, तुहानू लगे पता। जेहड़ी बीवी इहो जिहा फरमाइशां करे, लत नहीं बढ़दी दी। मेरा विआह नहीं होया। मजबूरियां किनियां? अच्छा, इहदे कोल कोई चीज नहीं हैगी, लेकिन ज़हनी तौर ते इहने सोच लिया जे सब कुछ भी होया जी, गुरबत फिर भी होएगी। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਘਰ ਬਦਲ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਲਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕਰੋ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਕੀ? ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੋ, ਵਜ਼ੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਪਾਓ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਓ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਰਾਓ। ਚਲ ਸਭ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਰ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਲਓ ਜੀ ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ। ਆਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਕੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਕਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ 9 ਸਾਈਜ਼ ਹੀ। ਕੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਖੋਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਰਾ ਪਰਸ ਦੇ, ਐਡਾ ਢੀਠ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਸ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਆਪ ਸਭ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਲਾਭ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਨੀ ਚੌਧਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਡੈਂਡਾ ਡੈਂਡਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾਊ। ਓ ਬਈ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕੇ ਆਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਬਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਚੋਰ ਚੂਰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹ,
ताकि ये जिंदगी दे सफर दा आगाज जड़ा ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕਹੀਂ ਮਤ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮਿਲਤੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਨਾ ਦੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰ ਚਲੋ ਜੀ ਮੁਝੇ ਛੂ ਰਹੀ आप बहुत ओवर मॉडस्कॉड हैं। आपका घर बहुत बिग है, इट्स वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है आपका घर, मतलब इस तरह करके ना आगे लग और पर्स कितने करो बैग भी लेके आओ साथ पर्स बाद चले आएगा